पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर चला जाए, यही मॉडल हम कराची को भी देना चाहते हैं। और हम इस सिलसिले में मैंने गवर्नर साहब से दरख्वास्त की है कि वो जो सिंध हुकूमत को हमारा ये जो प्रोजेक्ट है या हमारा ये जो एक ऑफ़र है वो पहुंचाएं, और इंशाल्लाह ये हम चाहते हैं कि कराची की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि कराची में भी पोल्यूशन जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा उसमें जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है, और उसको हम चाहते हैं कि बिजली के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त बिजली जो है वो 50% ज़रूरत से ज़्यादा है। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स नहीं हैं जिसकी वजह से बिजली के मसाइल हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको हम बिजली के ऊपर ले आएँ। गवर्नर साहब को हमने इसका पूरा प्लान दिया है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि चीफ़ मिनिस्टर साहब को वो पहुँचाएँ। वज़ीर आला साहब से इंशाल्लाह मुलाकात भी करेंगे अगले टूर के ऊपर, उनसे गवर्नर साहब की इब्तदाई बातचीत होती है उनसे, तो उसके बाद अगले हफ्ते कोशिश करूंगा या उससे अगले हफ्ते के चीफ़ मिनिस्टर सिंध से मुलाकात करें और उनको इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो हम लेके आएँ कि वो जो कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो है वो हम शिफ्ट करें। इसके साथ साथ चीफ़ मिनिस्टर साहब से अफसोस भी करना है कि कैसा उनको महसूस हो रहा है कि एक शिद्दत पसंद ग्रोह के नीचे उनको जो है वो अपनी अगली सियासत जो है वो करनी पड़ रही है। बड़ा अफसोस ही हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो पार्टी है उसको मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में काम करना पड़ रहा है, और यकीनी तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी का जो आम कारकुन है वो तो बुरा ही मना रहा होगा, उसके दिल में अफसोस भी होगा कि किस तरह से पीपल्स पार्टी आज बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातलों के साथ जो है वो गुजारा कर रही है और उनके साथ अपनी सियासत जो है वो कर रही है। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को आज एक शिद्दत पसंद ग्रोहों का सहारा लेना पड़ रहा है अपनी सियासत के लिए, और उनको एक ऐसी लीडरशिप का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कल आपने लाहौर में देखा मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, लेकिन वो इतने भी लोग वहाँ पे जमा नहीं कर सके। मैंने तो मशवरा दिया था पिछली दफ़ा बिलावल साहब को भी और पीएमएलएन वालों को भी कि आप अपने जो जलसे हैं वो मैरिज हॉल बुक करा के कर लिया करें, उसका फ़ायदा ये होगा कि कम से कम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी भी सहूलत हो जाएगी और एक आम लोग जो हैं वो भी सफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी हाज़रियाँ आजकल जो जलसों में हैं वो इतनी हैं। लिहाजा ये बड़ी बदकिस्मती है कि उन्हें मदरसे के बच्चों का सहारा लेना पड़ रहा है अपनी सियासत के लिए, और पीपल्स पार्टी और नून लीग जैसी जो पार्टीज़ हैं उनको भी अपने केसेस के लिए बदकिस्मती से मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ और मदरसे के बच्चों की तरफ देखना पड़ रहा है कि वो आएँ और आके तहरीक चलाएँ। तहरीक का मॉडल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं तो लंदन में मेफेयर में रहूँगा, दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टी जो है वो उनके बेटों की है, वो वहाँ पे रहेंगे, दो बेटे ब्रिटिश सिटीज़न हैं, जो समदी हैं इसहाक डार साहब वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब वज़ीर आज़म थे उन्होंने अपने जहाज़ में इसहाक डार साहब को फ़रार करवाया, वो लंदन में बैठे हुए हैं। और नवाज शरीफ साहब का अब नैरेटिव ये है, बयानिया ये है कि मैं इसहाक डार मेरे बच्चे हम तो मेफेयर में रहेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं उनके जो बच्चे हैं उनका काम है कि वो पाकिस्तान में सड़कों पे निकलें और ये तहरीक चलाएं कि मरियम के अब्बू और मरियम बीबी के पैसे जो हैं वो वापस ना लिए जाएं और इस तहरीक के लिए कौम जो है वो बाहर निकले। ये तहरीक जो बेसिकली अबू बचाओ महम के तौर के ऊपर शुरू हुई थी, अब पाकिस्तान इंतशार पार्टी के तौर के ऊपर ये सामने आई है, और जिस तरह से अबू बचाओ महम नाकाम हुई है आप यकीन कीजिएगा कि ये इंतशार फैलाने की ये जो महम है ये भी बुरी तरह नाकाम होगी, इसका भी कोई मुस्तकबिल जो है ये नहीं है। ये जो करप्शन का एक ग्रैंड अलाइंस बना है इसकी जो क़यादत मौलाना फजल रहमान साहब के पास है, मैं आपको कंपैरिजन सिर्फ ये करना चाहता हूँ, सराजुल हक साहब भी हमारे क्रिटिक हैं और हमारे ख़िलाफ़ रोज़ बयान देते हैं,
लेकिन वो जमात इस्लामी का जो लीडर है उसके घर की छत टपकती है, उनके पास अपने वसाइल नहीं हैं कि वो अपनी जो ज़िंदगी है उसको एक लग्जोरियस ज़िंदगी गुजार सकें। ये सिराजुल हक साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं, जमात इस्लामी के लीडर हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब वो भी खैबर पख्तूनख्वा से हैं। दोनों के बैकग्राउंड्स में कोई फ़र्क नहीं है। सो क्या वजह है कि इनके पास अरबों रुपया है और सिराजुल हक साहब के पास कुछ पैसा नहीं है? तो ये वो भी दीनी जमात के सरबराह हैं, ये भी दीनी जमात के सरबराह हैं, तो फ़र्क वसाइल में इतना जो है वो क्यों है? दोनों के वसाइल बड़े मुख्तलिफ हैं, और सिराजुल हक साहब हमारे तो क्रिटिक हैं, हमारे तो वो नाकिद हैं, लेकिन जो बात सही है वो बात सही है कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक फजलुर रहमान साहब तो बिलियंस बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ के मालिक बन गए और सिराजुल हक साहब जो हैं उनके पास वसाइल जो हैं वो उतने ही कम रहे हैं। देखिए, ये जो तहरीक है इसकी ना तो कोई मॉरल करेंसी है, कोई अखलाकी जवाज है, ना ही इसकी कोई आईनी, इसका कोई आईनी जवाज है। पार्लियामेंट में जो दो इस वक्त बड़े बयानिए हैं जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून का एक काम है, पहला तो है कि जी फ़ौज बुरी है, अदलिया बुरी है, और उसके बाद बयानिया है कि इलेक्शन में धांधली हुई। अब इलेक्शन की धांधली से ले लीजिए, इलेक्शन में पिछली जो इलेक्शन था उसमें 346 इलेक्शन पटिशन्स फाइल हुई, इस इलेक्शन में ये जो अभी हुआ है इसमें 125 के करीब इलेक्शन पटिशन्स फाइल हुई। पंजाब जहां पे पीएमएलएन कहती है कि धांधली हुई, वहां पर 13 पटिशन्स जो हैं वो पीटीआई के लोगों ने की और 11 पटिशन्स पीएमएलएन के लोगों ने की। उसके बाद हमारे जो लोग हैं 2500-3000 वोट से 15 से ज़्यादा सीटें हैं पीटीआई की, जो हम 2500 से कम वोटों के ऊपर हारे। 5 तो ऐसी हैं जो तकरीबन हम 1000 वोट से भी कम पे हारे। आतिफ खान जो हैं वो 50 वोटों से इलेक्शन हारे। इसी तरीके से एक और जगह के ऊपर हम 117 वोटों से इलेक्शन हारे। तो अगर हमारे यहाँ इतनी, मैं धांधली को तो छोड़ दें, सिर्फ अगर एस्टेब्लिशमेंट का टिल्ट हमारी तरफ होता तो हम ये 15 सीटें जीत जाने थे। रीकाउंटिंग ही करनी थी ना, रीकाउंटिंग होती हमने इलेक्शन जीत जाने थे ये 15, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। आरटीएस का कहते हैं, जिन जिन हलकों में आरटीएस डाउन होने का की बात हुई वहाँ तो पीटीआई इलेक्शन हारी है। और अगर इलेक्शन रिगिंग के ऊपर, इमरान खान जब 2013 में पहली असम्बली की तकरीर में प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर थे, तो उन्होंने पहले दिन से ये तहरीक शुरू की कि 4 हलके खुलवा दें। 4 साल लगे पीटीआई को ये बात मनवाने में, 4 हलके खुलवाने में, और चारों हलकों में धांधली साबित हुई, और फिर चारों हलके बाद में पीटीआई ने वहाँ पे जो है वो इलेक्शन लड़े, जीते। हमने पहले दिन जब इमरान खान वज़ीर आज़म भी बने और पहले दिन असम्बली में गए तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप समझते हैं कि इलेक्शन के ऊपर तहकीकात की ज़रूरत है, तो आइए हम कमेटी बना देते हैं। 2.5 साल गुजर गए हैं, पीएमएलएन एक हलके का भी सबूत कमेटी में नहीं ला सकी धांधली का। धांधली का अगर होती बात तो फिर पहले दिन ही असम्बलियों में ही ना बैठते।